ਚਾਨਣ ਦੇ ਮਾਨ ਮੇਂ ਨੰਦੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਮੇਂ ਝੰਡਾ ਖਣੀ ਝੂਮੀ 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 ਪਿਆ ਯਾ ਸੈਯਦੀ ਯਾ ਮੁਰਸ਼ਦੀ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਮਿੱਠੜਾ ਨਬੀ ਮੁਹਜਾ ਨਬੀ ਸਭ ਜਾ ਨਬੀ 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 ਮਰਹਬਾ ਸਾਲ सिंध समेत समूरे मुल्क में बिनी जहानन के सरदार रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक जो दिहाड़ो अकीदत एहतराम से मल्हायो वियो। वफाकी गादी वाले शहर में 31 सूबाई राजधानी वाले शहर में 21 तोहफ़ों की सलामी से डीह की शुरुआत हैदराबाद मीरपुर खास शहीद बेनज़ीराबाद सखर लाड़काने डिवीजन के नंढन वडन शहर में जुलूस कराची में मेमण मस्जिद का लाइट हाउस तुलूस वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह की शिरकत दुरूद सलाम जो महफिलों हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मशाल राह बनाने ही असां जे कामयाबी आहे। सदर आरिफ अलवी 12 रबीउल अव्वल ते जारी कयल पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त मुआशरे कौम ऐं मुल्क में अमन ख़ैर ख़्वाही दयानत तरक्की चाहियो था त उन मिसाली मुआशरे जा आला क़दर इख़्तियार करणा पवंदा जंहिंजो बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विधो हो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त इंसानियत जे हर ॾुख जो अज़ालो ॿिन्ही जहाननि जे सरदार जी कामिल ताबेदारी में आहे। ॿारहं रबीउल अव्वल जे मौके ते अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त इस्लाम मोहबत अमन ऐं बर्दाश्त जो पैगाम ॾिए थो। सभिनी खे नबी करीम सलाहु अलह वसलम जे ॾसियल वाट ते हलण जी ज़रूरत आहे। पीपुल्स पार्टी जे चेयरमैन ऐं परॾे वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी 12 रबीउल अव्वल जे मौके ते पंहिंजे पैगाम में चयो आहे त नबी करीम सलाहु अलह वसलम जी आमद सां इंसानियत खे विञायल मक़ाम वापसि मिलियो। हज़ूर करीम सलाहु अलह वसलम जे ॿुधायल उसूलनि जी पैरवी करणु ई कामयाबी आहे। इंतकाम लेते लेते आज आपने पाकिस्तान का बटा बैठा दिया, यानी मुझसे तो इंतकाम लेने तो ले लेते, लेकिन पाकिस्तान से आपको इंतकाम लेने के लिए किसने आपको ये कहा? हर चीज़ महंगी हुई है इमरान खान के दौर में, मेरे दौर तक अवाम खुश थे मुतमिन थे। जन जजन नाइंसाफियूं कयूं उन्हनि खां हिसाब वठणो पवंदो। कूड़नि केसनि में वज़ारत उज़्मा तां बरतरफ़ कयो वियो। सॼी ज़िंदगीअ लाइ नाअहल करणु ऐं पार्टी सदारत तां हटाइणु को अदालती फ़ैसिलो न पर इंतकाम हो। उन्हनि जजनि खां हिसाब वठणो पवंदो जन नाइंसाफियूं कयूं आहिनि। मुल्क खे अॻिते हलाइणो आहे त उन्हनि माण्हुनि खां जवाबु वठणो पवंदो। अॻूणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ जो लंडन में मीडिया सां ॻाल्हियो। गडियल क़ौमनि में पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली सबबि आयल तबाही ते क़रारदाद मंज़ूर। चीन अमरीका ऐं रूस बि पाकिस्तान जे लाइ हिकु पेज ते अची विया। परॾे वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त गडियल क़ौमनि जे जनरल असेंबली में 141 मुल्कनि तरफ़ां इतफ़ाक़ी राय सां पाकिस्तान में मौसमियाती तबाही बाबति ठहराउ मंज़ूर थी चुको आहे। हू चीन अमरीका ऐं रूस समेत गडियल क़ौमनि जे सेक्रेटरी जनरल ऐं गडियल क़ौमनि जे जनरल असेंबली जे सदर जो थोरायतो आहे। एमक्यूएम अॻवान कामरान तिसोरी सिंध जो गवर्नर मुक़ररु थी वियो। सदर आरिफ अलवी कामरान तिसोरी जे गवर्नर तौरु मुक़ररी जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। सदर आइन जे आर्टिकल 101 तहत गवर्नर जी मुक़ररी जी मंज़ूरी ॾिनी। पीटीआई अॻवान फवाद चौधरी चयो आहे त नवाज़ शरीफ़ ॿुधाए थो कहिड़ी डील जे ज़रिए पाकिस्तान वापसि अचण जी कोशिश करे रहियो आहे। एनआरओ थी रहियो आहे ऐं सिस्टम ख़ामोश आहे। इदारा करप्ट माफ़िया जा मुआफ़िज न बणजनि, मुल्की हिफ़ाज़त ऐं सलामती लाइ क़दम खणनि। फवाद चौधरी शाह खां वधीक शाह जो वफ़ादार बणजण जी कोशिश न करे हुन ऑडियो लीक्स ते पर्दो विझण जी नाकाम कोशिश कई आहे।
बिलावल भुट्टो जरदारी के कामयाब दौरन से पीटीआई वायर ऐप को शिकार थी है। फवाद चौधरी के बिलावल भुट्टो जरदारी की मकबूलियत गणती करण बदरा पैंजे लीडर की ऑडियो लीक्स वारन इंकशाफन से ध्यान देन घुर्जे। सिंध के इतलात वे वजीर शर्जील इनाम मेमन जो पीटीआई अगवान फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से रदेमन। आईएमएफ से थियल माहिदन की पासदारी कंदी गुजरियल हुकूमत के मुल्क मसलन जो शिकार बनो इतिहादी हुकूमत पैं जिम्मेवार निभाई कर्जन के रीशेड्यूलिंग पेरिस नींदी आलमी इदारा भी असान फैसलन की हिमायत कंदा नाणे वाले वफाकी वजीर इसाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्ट्रीट क्राइम मसलो है खात्मे लिए पुलिस कोशिश कर रही है। वे वजीर सैयद मुराद अली शाह चो है तो रोजानी बुनियाद से क्राइम की सूरत हाल के मॉनिटर कंदो है। सिंध पुलिस बेन इदारन दहशतगर्दी को खात्मो आने लिए सख्त मेहनत कई है। पुलिस केतर ही दहशतगर्दन के मारो गिरफ्तार किया है। 12 रबी अव्वल के दिहाड़े बोर्ड मुतासर की तकलीफों के खात्मे लिए खास दुआं कई वन। सिंध हुकूमत जो बोर्ड मुतासर इलाक में इमदादी कार्रवाई जारी है। इतलात के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमर चुआ तो 24 कलाक दौरान 31,180 खानदान में राशन बैग विराया वाया। कंबर शहदादकोट में 100 खानदान नौशरो फेरोज में 4,000 सांगड़ में 6,900 खानदान के राशन जा थैला दिना वाया। मटियारी में 1,280 ठठे में 750 बदीन में 2,000 जैकवाबाद में 1,000 खानदान के राशन बैग मिला। सूबाई वजीर मूजिब मजमूई तौर 14,52,551 खानदान के राशन बैग दिना वाया। 20,593 खीमा 12,000 तरपाल 81,521 मच्छरदानियों पिण दिन व्यून। सूबाई वजीर मूजिब इन वक्त रिलीफ कैंपों में 3,44,797 मुतासर तरसिल हैं। मुतासर में 1,10,636 बारडा 85,451 औरतू शामिल। उत्तर वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेज जो ऑपरेशन ब दहशतगर्द मार हथियार बारूदी मवादत आईएसपीआर मूजिब मार दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज से हमलन में मुलविस हुआ। ठुल के मकतूल खुताबी मुजफ्फर सुमरो से बदफेली की तस्दीक मुजफ्फर सुमरे के बदफेली जो निशानो बनाने का कत्ल किया वो रिपोर्ट पधरी 2 महीना पहरी मदरसे अंदर खुताबी मुजफ्फर सुमरे के कत्ल किया वो हो। बख्शापुर वेझो हथियारबंदन मुगबी नौजवान के कत्ल कर लाश फिटो कर छो मकतूल पप्पू डोमकी जो लाश जलाल बंद वट पियल मंगवार बिरादरी के हथियारबंदन पारा डोमकी बिरादरी मथा 2 महीना पैरी मुकाबले मार वेल नौजवान के पकड़े पुलिस हवाले करण जो इल्जाम हयो हो। पुलिस मुकाबले का मकतूल पप्पू डोमकी के अगवा किया वो हो जैसे वीडियो भी वायरल कई वही हुई। मीरपुर खास भरसा मंगरिया बिरादरी की बिन धुरी में झेड़ो फायरिंग के नतीजे में एक नौजवान मार वो एक जख्मी। घारे भरसा कौमी शाहरा से मुख्तलिफ हादसन में बजना हयातियों विनाए वेठा 15 जख्मी पौतिन में 10 वर जो रजाक जोखियो नीगर साहिल गोरी शामिल। हादसन में जख्मी थे 15 जनन के तिब्बी इमदाद लिए अस्पताल मुंतकिल कर। दादू जी रिलीफ कैंप में तरसल बारड़ो बिजली जो करंट लगन सबब हयाती विनाए वेठो। रिलीफ कैंप में तरसल 5 वर के अलीजान चांडो के बिजली जो करंट लगो अस्पताल पहुंचाने से डॉक्टर बारड़े के फौत थे की तस्दीक कर छी। वफाकी गादी वाले शहर इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल में बाह लगी वही। शॉपिंग मॉल के 8 फ्लोर से बाह भड़कड़ सबब केतरा ही मानू फासी पाया। फायर ब्रिगेड अमले की फौरी कार्रवाई सबब बाह से जब्तों आने फाथल मानून के हिफाजत से बाहर कढ़े वो कोलिंग जो अमल जारी। आई टे मुल्की टी20 सीरीज की टी मैच में न्यूजीलैंड बंग्लादेश के 8 विकेटों तक शिकस्त दे छी। बंग्लादेश मुकर्र 20 ओवरन में 8 विकेटों के नुकसान से 167 रन सुठायूं। न्यूजीलैंड की टीम 18 ओवर में घुर्बल हदफ 3 विकेटों के नुकसान से हासिल करे कामयाबी मानी।